और अब देखिए हिंदुस्तान के वो आत्मनिर्भर अस्त्र जो कर्तव्य पथ पर दिखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले TV9 भारतवर्ष कर्तव्य पथ से उन हथियारों की लिस्ट और पहली झलक आपके लिए लेकर आया है जिनकी ताकत अब से सिर्फ कुछ घंटे बाद पूरी दुनिया देखेगी। भारतीय सेना आक्रामक है, आधुनिक है और अब आत्मनिर्भर भी है। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच जब गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है तो भारत वर्ष की शक्ति का प्रदर्शन करने वाले, सामर्थ्य का ऐलान करने वाले और सुरक्षा की गारंटी देने वाले जंगबाजों के साथ हिंदुस्तान के हथियार भी दिखते हैं। रोमांच से हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ देर बाद एक बार फिर ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार दुनिया आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की शक्ति भी देखेगी। कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियार गर्जना करेंगे। देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और सबसे बड़ी बात है कि देश की आजादी का और देश के मतवालों का ये जो उत्सव है इसे पूरा हिंदुस्तान मनाता है और ऐसे मौके पर हमारे जो हथियार हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर उनकी प्रदर्शनी खास तौर से लगाई जाती है। एक एक हथियार देश के सामने रखा जाता है कि कितनी ज्यादा शक्ति भारत की जो फोर्सेज है, आर्म फोर्सेज है, उनकी बढ़ रही है। भारत वर्ष के स्वदेशी हथियारों में पहला नाम है अर्जुन टैंक का। अर्जुन टैंक पूरी तरह से स्वदेशी है क्योंकि इसे भारत वर्ष के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। अर्जुन टैंक को साल 2004 में सेना में शामिल किया गया था। अर्जुन तीसरी पीढ़ी का बैटल टैंक है। ये 120 mm की तोप से लैस है। इसकी टॉप स्पीड है 67 km/h। ऊबड़ खाबड़ और दुर्गम रास्तों पर भी ये 40 km/h की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ता है। जो आप टैंक देख रहे हैं इसका नाम है अर्जुन टैंक, जिसका निर्माण चेन्नई में किया जा रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस टैंक को बनाया जा रहा है। इट्स अ मीडियम टैंक, काफी हैवी है और इसकी इट्स अ राइफल्ड गन, तो इसकी जो फायरिंग एक्यूरेसी है वो विश्व में इसका चर्चा चलती है। तो आप जान सकते हैं कि रणभूमि में कितना दुश्मनों के दिल में तहलका मचाएगा। और आप देखिए हिंदुस्तान का वो स्वदेशी हथियार जिसे पूरी दुनिया सर्वश्रेष्ठ मानती है, भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। भारत वर्ष की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जल, जमीन, आसमान कहीं से भी फायर हो सकती है। यहां तक कि इसे पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है। कर्तव्य पथ पर जिस ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन होगा उसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है, लेकिन अब ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस भी तैयार है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक हो सकती है। और अब देखिए दुश्मनों पर वज्र की तरह टूटने वाली K9 वज्र होविट्ज़र 2। K9 वज्र होविट्ज़र तोप की मारक क्षमता 50 किलोमीटर है। K9 तोप 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। रेगिस्तान में भी ये कारगर है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये 0 degree रेडियस पर घूमकर वार कर सकती है, मतलब दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। K9 वज्र गन है, 155 mm इसमें आपको बता दें गन लगाई गई है और सबसे बड़ी बात है कि LAC पर तैनात की गई सबसे शक्तिशाली गन या कह लें टैंक में से ये एक है। इसकी बेसिक काबिलियत इसकी मोबिलिटी है। हम कंधे से कंधा मिला के आर्मर के साथ मार्च करना, एक लंबी दूरी तक उनको सहायता करना उनके फायर पावर की, ये सब हमारी खूबी में आता है। इसके अलावा भारत वर्ष की स्वदेशी एंटी गाइडेड मिसाइल नाग और जमीन से हवा में अचूक प्रहार करने में सक्षम आकाश मिसाइल भी गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होगी। ये मशीन गन खड़ी हुई है, बेसिकली इसका नाम जो है नाग मिसाइल गन है और सबसे बड़ी बात है कि ये एंटी टैंक मिसाइल है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मिसाइल जमीन से जमीन पर 825 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है।